रिव्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। एमसी स्टैन ने आंखों के सामने देखा अपने दोस्त का मर्डर। बिग बॉस 16 विनर एमसी स्टैन ने बताया है कि बचपन में उनकी आंखों के सामने उनके एक दोस्त की हत्या कर दी। बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन ने हाल ही में एक खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि बचपन में उनकी आंखों के सामने उन्हें एक दोस्त की हत्या होती थी। और इतना ही नहीं, स्टैन ने बताया था कि वह उनकी जान भी खतरे में पड़ गई थी। बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन इन दिनों हर तरफ छाए हुए हैं और शो के बेहद ही पॉपुलर चेहरों को एक हरा कर एमसी स्टैन ने यह ट्रॉफी अपने नाम की। हालांकि इसके लिए उन्होंने बहुत ट्रोल किया गया है, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने ट्रोलर्स को अभी एक रियलिटी नहीं मिली है। और जब ये एमसी स्टैन घर से बाहर आए थे और उन्होंने एक इंटरव्यू दिए और उसके बाद उन्हीं इंटरव्यू के दौरान एमसी स्टैन ने खुलासा किया था कि बचपन में उन्होंने बहुत कुछ देखा है। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपने बचपन के एक खराब घटनाओं के बारे में स्टैन ने बताया है कि एक पॉडकास्ट में बताया है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त की हत्या हो गई। उन्होंने कहा है कि एक समय था जब मेरे आसपास सिर्फ परेशानियां थी और तब मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था और मैं वह अपना बर्थडे केक काट रहा था और उसी वक्त किसी ने उसके गले पर चाकू रखा और उसकी हत्या कर दी। उसके गले पर इतने वार किए कि उसकी तुरंत मौके पर ही मौत हो गई और स्टैन ने बताया कि उन्हें भी मारने की कोशिश की। बता दें कि स्टैन ने फैंस के लिए एक खुशखबरी है और वह दरअसल एमसी स्टैन इंडिया के एक म्यूजिकल टूर पर निकलने वाले। स्टैन अपने म्यूजिकल टूर पर 19 मार्च को निकलेंगे और इसी दौरान वह देश के अलग अलग शहरों पर अपना कॉन्सर्ट करेंगे। बिग बॉस 16 के घर से बाहर निकलने के बाद एमसी स्टैन के फैंस फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई। अल्लू अर्जुन ने ठुकराया तो रामचरण को मिला शाहरुख खान की जवान में रोल। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जवान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में इसे लेकर एक अपडेट सामने आया जिसमें बताया था कि अल्लू अर्जुन के जवान के कैमियो करने से मना कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग में व्यस्त है और इसीलिए अल्लू अर्जुन ने ऑफर से ठुकरा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो अल्लू अर्जुन की बात न मानने के बाद जवान के मेकर्स ने साउथ के एक और बड़े स्टार को अप्रोच किया। जानकारी के मुताबिक अब जवान के मेकर्स ने ट्रिपल आर स्टार रामचरण की फिल्म का ऑफर दिया है। आपको बता दें कि ट्रिपल आर के रामचरण ने एक बेहतरीन एक्टिंग की और राम की इस एक्टिंग के नॉर्थ से लेकर साउथ वेस्ट तक लोगों को काफी दिल में जगह बना ली। फैंस रामचरण के बॉलीवुड डेब्यू का एक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब जवान के मेकर्स भी फिल्म के साउथ का एक कोई बड़ा स्टार लेना चाहते हैं, इसलिए रामचरण को फिल्म के कैमियो ऑफर कर दिया गया। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर रामचरण जवान के कैमियो करने के लिए हाँ कहते हैं तो खुशी सातों आसमान पर चली जाएगी। और आपको बता दें कि जवान साउथ की सुपरस्टार नयनतारा और विजय सेतुपति भी नजर आने वाली। यह फिल्म 2 जून 2023 को सिनेमाघर में दर्शन देगी और इस फिल्म में शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान प्रोड्यूस कर रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में चैनल ने दावा किया है कि बिग बॉस के विनर एमसी स्टैन जवान के एक गाने में नजर आ सकते हैं। महाराष्ट्र के एमसी स्टैन ने लोकप्रियता काफी हासिल की है, ऐसे में लोग अब कयास लगा रहे हैं कि एमसी स्टैन जवान को किसी गाने में अपनी आवाज दे। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को क्यों सोशल मीडिया से रहना पसंद है? बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर कहा है कि वह सोशल मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के एक प्रसारित द कपिल शर्मा शो में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वह अपने पर्सनल लाइफ को काम दिखाना चाहते हैं और ताकि उनके फैंस पर्दे पर उन्हें देखने से ज्यादा दिलचस्पी रखें। शो पर बोलते हुए एक्टर ने कहा है कि वह बोरिंग और वह सोशल मीडिया पर हर समय लोगों का मनोरंजन करते रहना उनके लिए संभव नहीं है। और उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इन दिनों एक्टर्स के रूप में हमारे सीक्रेट्स खुले जाते हैं और इसके बाद लोगों प्रमोशन का एक वीडियो पर करते समय हमें एक जगह दूसरी जगह स्क्रिप्ट देखते हुए वह हमेशा सोशल मीडिया पर स्क्रीन पर हम दिखाते हैं और वह फैंस के लिए एक थिएटर में देखने की एक अच्छा काम कर रहा था। रणबीर कपूर ने आगे कहा है कि बैकअप सीट पर एक अजब प्रेम की गजब कहानी समेत कई हिट फिल्में दी है और वह पॉपुलर एक ड्रामा राजनीति में भी अलग एक अवतार में थी। उनके अलावा रॉकस्टार और बर्फी जैसे कहीं वह दमदार अभिनेता भी उन्होंने काम किया है और इन दोनों
वह श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म तू झूठी प्रेम अफसार में एक प्रमोशन के लिए व्यस्त है और रणवीर श्रद्धा और अनुभव सिंह हवस्सी के साथ अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS+TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें।